आज तुमचे सगळ्यांच्या आजच्या बैठकीक हांगा स्वागत करता. दोन तरेन जातले. आमचे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी आज गोंयान आयिल्ले. तांकां म्हणलें आसलें की कार्यकर्ते बरोबर आपल्याक इंटरेक्ट करूं जाय बजेटच्या संदर्भात. त्यामुळे आज तांकां मुद्दा वांगडा आसात. हांव तांकां पार्टी तयार घाल्ल्यान तांचें स्वागत करता. केंद्रीय बजेट एक तारखेर पार्लिमेंटात मांडली. आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हांच्या नेतृत्वाचे जे सरकार काम करता आणि त्यांच्या सरकारान फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हांच्यानी बजेट पार्लिमेंटात दवरली आणि त्यामुळे देशभरा भितर त्या बजेटीच्या संदर्भात बऱ्या तरेचे प्रत्येकान बजेट त्याची बऱ्या तरेचे बजेट मांडली म्हणून सगळ्यांनी कॉम्प्लिमेंट्स दिले आणि ऑपोजिशन जे असतात त्यांच्यानी क्रिटिसायज केले. तर एखादें बरें काम जेन्ना आसता हे लक्षात येतकच सगळ्यांक दिसता की तें फायदो हो भारतीय जनता पार्टीक जातलो. आणि त्यामुळे आज आमचे बरोबर भूपेंद्र यादव जी असतात सगळे जण त्यांना वळखतात कारण आमच्या पार्टीचे सिनियर मोस्ट लिडर असतात आणि ज्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ते भारतीय जनता पार्टी असो त्यांचा प्रवास असा. ते मूळ अजमेर राजस्थानचे आणि त्यांचे सध्या युनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज आणि मिनिस्टर ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ही त्यांच्याकडे मंत्री म्हणून जबाबदारी असा. ते भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे जनरसेक्रेटरी म्हणून 2000 ते 2009 पर्यंत त्यांच्यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम केले. 2010 ते भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल सेक्रेटरी म्हणून काम केले त्यांच्यानी 2010 ते 2014 आणि त्याच्यानंतर नॅशनल जनरलसेक्रेटरी 2014 नंतर ते भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल जनरलसेक्रेटरी झाले 2014 ते 2019. वेगवेगळ्या राज्यांची निवडणुका जातात त्या वेगवेगळ्या राज्याचे त्यांच्यानी इन्चार्ज को इन्चार्ज असे त्यांच्यानी काम केले. वेगवेगळे असेंब्ली इलेक्शन ज्या इलेक्शना भितर त्यांच्यानी पार्टीक निवडणुकीत विजय मिळवून दिलो. 2013च्या निवडणुकीत राजस्थानचे ते को इन्चार्ज असले असेंब्लीचे आणि झारखंडचे ते को इन्चार्ज असले गुजरात असेंब्लीचे ते इन्चार्ज असले. त्यांच्यानी 2019 लोकसभा इलेक्शनचे बिहार लोकसभा इलेक्शन बिहार आणि त्यानंतर असेंब्ली इलेक्शन बिहार त्या बिहारचे त्यांच्याकडे इन्चार्ज म्हणून जबाबदारी आशिली. ते आता सध्या मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून राज्यसभेत असतात. 2012 झाले त्यानंतर परत एप्रिलान 2021-2018 ते राज्यसभेचे मेंबर असतात. त्यांच्यानी ते स्वतः बाय प्रोफेशनल ते लॉ LLB असतात आणि त्यानंतर त्यांचे वेगवेगळे पार्लिमेंटरी कमिटी जे असतात त्यांच्यानी त्यांच्यानी वेगवेगळ्या कमिटीचे काम केले आणि खास करून त्यांच्यानी एक सुप्रीम कोर्टाचा फॉरेस्ट कन्झर्वेशन पेपर पॅक अँड रेग्युलरली एक्सप्रेसिस इज व्ह्यूज या तऱ्हेचे त्यांचे वेगवेगळे व्ह्यूज जे असतात जे त्यांचे न्यूज पेपराचेही येतात वेबसाईटीचेही असतात. त्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टी राईज ऑफ द बीजेपी हो बुक त्यांचा डिसेंबर महिन्यात पब्लिश जावपाचो असा. आणि त्यामुळे पार्टीचा एक सिन्सिअर वर्कर ग्राउंडावयल्यान वयरपर्यंत वेगवेगळी पोझिशनां करत करत आज ते भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारान कॅबिनेट मिनिस्टर असतात. बऱ्या तऱ्हेचे काम करतात डाऊन टू अर्थ हे पार्टीच्या कार्यकर्त्याची भावना कार्यकर्त्या बरोबर सगळे कार्यकर्ते असत ते टॉप मोस्ट कार्यकर्त्यापर्यंत काम आणि देशभरा भितरल्या वेगवेगळ्या स्टेटी भितर प्रवास असे त्यांचे काम असा. हा त्यांना आज त्यांचा हंगसर हा त्यांना स्वागत करता त्यांना वेलकम करता तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत आणि हा त्यांना विनंती करता. त्यांच्यानी पहिले दोन तरेन जातले
पहिली ते प्रेस ब्रिफिंग करते प्रेसात आणि प्रेस ब्रिफिंग झाल्यानंतर आमचे जे कार्यकर्ते असतात बजेटाचे आमची जी समिती असा हांच्या कडेन ते उलयले. म्हणजे बरोबर आमचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि आमचे मंत्री जिनेश बाब काबराल हांगा असतात, आमदार प्रेमेंद्र शेख आणि आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट जयराम बाब सोलकार, त्यांचा बी बजेट कमिटी जी केलेली असा त्याचे कन्व्हिनर असतात. त्याच्या बरोबर त्याच्या बरोबर संतोष बाब केंद्र आणि जगदीश बाब नाईक ही टीम त्याच्या बरोबर असा. हांव त्यांना आमच्या मिनिस्टरांक विनंती करतो की त्यांच्यानी प्रेस ब्रिफिंग करची. सबसे पहले तो मैं आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गोवा के हमारे पर्यावरण मंत्री जी और पत्रकार बंधुओं साथी के कार्यकर्ता, 2023 में भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे और आजादी के अमृत काल का ये पहला बजट और इसलिए ये भारत के आगे के अमृत काल के 100 वर्ष की बुनियाद का बजट. हमने देखा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने अनेक आयामों पर तरक्की करी और यही कारण है कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की गति को सतत और ऊपर की ओर जाता हुआ बताया गया है. देश में 29 करोड़ ई श्रम्य रजिस्ट्रेशन के कारण देश के स्किल और विश्व में उत्थान को बताया गया है. ईपीएफओ के डाटा से रोजगार वृद्धि के क्षेत्रों को बताया गया है और जो पीरियडिक लेबर सर्वे होता है वो भी विगत वर्ष की तुलना में बता रहा है कि भारत में बेरोजगारी की दर कम हो रही है. और पिछले 9 सालों में सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग के जो मानक अपनाए हैं उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. उस परिप्रेक्ष्य में इस बार का जो सरकार का बजट है वो महिलाओं को, युवाओं को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने वाला जो बजट है वो हम सबके सामने आया है. और इसलिए सरकार ने इस बजट को एक ग्रीन बजट का स्वरूप दिया है जिसमें इस बात को पूरी तरीके से संकल्पित किया गया है कि देश में ग्रीन इकोनॉमी के न केवल सेक्टर को बढ़ाया जाएगा बल्कि ग्रीन इकोनॉमी के जॉब्स को बढ़ाया जाएगा और देश का जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है उसके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए बजट बना है. और इसके सबसे जो पहला विषय है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उनको बजट में ध्यान दिया गया है. और इसलिए अमृत काल की प्रायोरिटी के 4 बड़े प्रयास है. पहला एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दूसरा एम्पावरमेंट ऑफ विश्वकर्मा सेक्टर. आपको पता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जोड़ा गया है और ये देश में वुमेन एम्पावरमेंट को जिसको सर्वस्पर्शी देश के हर भाग को छूते हुए हर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाने का एक बड़ा लीडिंग रोल वुमेन पावर को बजट के माध्यम से देने का प्रयास किया. दूसरा, भारत में जो रोजगार के क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक रोजगार का बड़ा क्षेत्र है और इसलिए जो दूसरा विषय है एम्पावरमेंट ऑफ विश्वकर्मा सेक्टर, सरकार के द्वारा जो प्रीडोमिनेंटली जो हमारे आर्टिजन है, हमारे जो लोकल कारीगर है, शिल्पकार है, उनको सेक्टर को बढ़ाने के लिए और उनको एमएसएमई की वैल्यू चेन के साथ जोड़ने के लिए एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्रिएट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा इसको
आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तीसरा जो बड़ा विषय है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर को प्रायोरिटी नंबर वन में रखा गया है और इसलिए फिशरीज सेक्टर को बढ़ाने के साथ हम देश में एक आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बायोडायवर्सिटी अवेलेबिलिटी उसको शुरू किया गया है। उसके साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन और स्किलिंग के सेक्टर में देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात और जो स्किल सेल एनीमिया है उससे भारत को 2047 तक मुक्त कराने की बात, मेडिकल रिसर्च पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट करने की बात और टीचर ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये देश में एजुकेशन एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बात की गई। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि सरकार ने हमेशा लास्ट माइल डिलीवरी पे अपना फोकस किया है और लास्ट माइल डिलीवरी बजट की प्रायोरिटी नंबर टू है जो गवर्नमेंट के अंत्योदय के विजन को फुलफिल करता है। और इसलिए अगर हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं तो कोविड में जैसा वैक्सीनेशन हमने लास्ट माइल तक जाके किया है वो सरकार की कार्यक्षमता, सरकार की संकल्प शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से दर्शाता है। जो तीसरा प्रायोरिटी सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में न केवल निवेश को बढ़ाया गया है बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी 33% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ किया गया जो जीडीपी का 3.3% है। हमारे देश में जो एक पोटेंशियल है उसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि देश में कार्य करने के वातावरण में हमारे सारे कानूनों में बहुत ज्यादा डीक्रिमिनलाइजेशन का विषय था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो 39,000 अननेसेसरी कंप्लेंट जो कंप्लायंस करनी पड़ती थी उनको रिड्यूस किया गया है और 3,400 ऐसे लीगल प्रोविजन से जो अननेसेसरी डीक्रिमिनलाइज करते थे जनविश्वास बिल द्वारा सरकार को ला करके सेंट्रल के 42 एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है जो अपने आप को दर्शाता है कि हम पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, अननेसेसरी लिटिगेशन से सब समाज को बाहर निकल के देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में पर्यावरण की चुनौती के लिए ग्रीन ग्रोथ बहुत जरूरी है और बजट का एक 5वां प्रायोरिटी सेक्टर रखा गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको 19,700 करोड़ दिए गए हैं। बैटरी एनर्जी में सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा एक वाइबिलिटी गैप फंडिंग की गई है। उसके साथ ही साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सरकार के द्वारा लाया गया है और मिशन लाइफ जैसे जो इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को और दुनिया को दिए हैं उस पर ग्रोथ जो गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल हो। ग्रीन ग्रोथ में हमारे देश का लगभग 7,500 किलोमीटर का जो समुद्री इलाका है वहां पर सरकार के द्वारा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम्स मिष्टी नाम से एक बड़ा प्रोग्राम इस बजट में किया गया है जिसको मनरेगा और कैंपा के फंड से भी जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही साथ 75 रामसर साइट जो हमारे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है और अभी तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी गया है। इस बार आजादी के 75 वर्ष में हमने 75 रामसर साइट्स बनाई। गोवा में भी एक साइट गंदा नहीं बनी है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो हम एक कंपोजिट सस्टेनेबल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर सरकार इस बजट के माध्यम से लेकर के गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर 9 सालों में सबसे बड़ा विश्वास देश को आगे बढ़ाने का जगह है तो यूथ का जगह है। अमृत काल का पहला बजट आने अभी जो हमारे यूथ 25 साल के यही भारत का निर्माण करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं और इसलिए इस बजट में यूथ को प्रायोरिटी सेक्टर नंबर 6 रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 को लागू किया गया है। और जो नए डायमेंशन हमारी इकोनॉमी में आने वाले हैं जैसे कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग,
उसमें कौशल विकास के ऊपर ज्यादा जोर देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्किल सेंटर मैन पावर इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने की विषय भी बजट में रखा गया है। हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो हम कहते हैं, हमारे जो जीआई टैग के जो प्रोडक्ट कहते हैं, उसके लिए पूरे देश में यूनिटी मॉल जो सेटअप करेंगे ताकि हमारे डायरेक्ट फॉरम से और फॉरन तक जो हम ट्रेड की बात करते हैं उस कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सातवां जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में एमएसएमई को एक बहुत मजबूती देने का काम किया गया है और एससीजेड से लेके जितने भी जो ब्लॉकेज विषय थे उधर बड़े पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए हैं। सरकार ने बजट में अपने जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको काफी मजबूत करने का काम किया। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन देयर बुक्स। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन स्ट्रैक टू अचीविंग देयर मीडियम टर्म फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर किया गया है। ऑल रिफॉर्म्स अंडरटेकन टू प्रोवाइड इंपेटस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। और जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो अंडरटेकन इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये करने का काम किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस में काफी ज्यादा मिडिल क्लास को एक सहूलियत देने की बात की है। पर्सनल इनकम में भी मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर बजट भारत के जो विकास के छोर में जो अंतिम स्तर पर व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने की बात है। द बजट रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड लास्ट मैन डिलीवरी। इट वाज डिजाइन टू स्पर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। This is also to be done through Jan Bhagidari and Sabka Prayas. So, in the end, I want to again repeat the four focus areas: creating opportunity for youth, growth and job creation, strengthening micro economic stability, and also the biggest gainers in the budget are green sector. तो क्या जल शक्ति गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है वो इसके अभी क्या है कि आपके मिनिस्टर के पास सारा निर्भर पड़ा है क्योंकि ये सारा इश्यूज है माली और बिलगढ़ के लिए। तथ्यों का विषय है, तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक्सपर्ट अध्ययन करते हैं। एक तरीका होता है आपको कैसे बिना अध्ययन के विषय आपका आपका अध्ययन नहीं है क्या? एग्जैक्टली आएगा तो अध्ययन करेंगे बजट पहले नहीं बजट बजट हम लोग तीन दिन से सुन रहे हैं। कोई इशू नहीं, आप सारे रिपीट मैंने बहुत बार सुने सर। इशू ये है कि मादी पर आपके क्या रिएक्शन है सर? आपका पूरा प्रश्न हो गया ना जी सर। विषय तथ्यों का अध्ययन करके बताएंगे आप? नहीं, बजट का अध्ययन करके आया ना। जब विषय आएगा अध्ययन करके आपका अध्ययन नहीं क्या एग्जैक्टली सर? आया करेंगे ना, अभी तो सब अप्लाई करेंगे तब जाते हैं ना। तो गोवा गवर्नमेंट ने कम टू यू मिनिस्ट्री एनवायरमेंट रिगार्डिंग मांडा इशू। नहीं, गोवा गवर्नमेंट तो कुछ उसमें करेगा। अभी गोवा गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट है, ये राज्यों के स्तर पे बातचीत का विषय है। हमारे पास जो पर्यावरण सिक्योरिटी के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आई है उसकी बात है विचार। अच्छा सर जी, सर क्या आपने जो बजट की बात कही है अभी, गोवा के कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री आपके जो हॉट इश्यू चल रहा है गोवा में माधेरी का, वो किसी ने बताया नहीं है आपको? विषय पूरा तथ्यों के साथ हो गया तभी विचार। नहीं सर, हम लोग नहीं सर, सर सर मेरी क्या बातचीत होगी तो हमारी पर्सनल बातचीत। सर सर आप फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट देखते हैं सर, ये दो इम्पोर्टेंट सेंचुरी के अंदर वाला इश्यू है, भीमगढ़ और माधी सेंचुरी के अंदर वाला। क्या आपकी राय क्या रहेगी कि सेंचुरी के अंदर वाला पानी कोई डाइवर्ट हो रहे हैं तो आपकी तथ्य सामने आएंगे तो आपको ऐसी बात की जवाब दूंगा? नहीं सर, इस जनरल फिनोमेना इट्स नॉट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर कि सेंचुरी के अंदर वाला पानी डाइवर्ट हो रहा है तो आपको क्या लगता है? ये रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन इसका एक्सपर्ट के बेस पर विषय तो आने दो। नहीं ये तो है सर, मिनिस्टर आपकी क्या राय रहेगी? आप जिम्मेदार करा पढ़ करके जवाब।
मदे रिवर के बारे में ही है, वेस्टर्न घाट में जो गोवा वाइल्ड लाइफ आती है उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो आती है उसके ऊपर बहुत परिणाम होगा, तो इसके बारे में तो कुछ आपने मेरे को सुझाव दिया है, मैं तो अच्छे के साथ जब मेरा थैंक यू।